ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सर्किट यहाँ से बर्न हुआ है, थोड़ा इसको रिमूव किया तो यहाँ पे मुझे नज़र आया कि ये यहाँ से जला हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसको और यहाँ से रिमूव करते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या क्या कंपोनेंट जो है ख़राब है। तो देखिए मैंने अभी इसका जो बैक साइड का पॉक्सी ग्लू है उसको निकाल दिया है, तो अभी ये आपको ऐसा नज़र आएगा। इसको दोस्तों निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा क्योंकि ये इसके अंदर पूरी तरह ही फिल हुआ है। तो हम इसको निकालेंगे तो देखेंगे फिर इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड ऑल पे। आज हम एलईडी ड्राइवर जो होता है एलईडी का, उसकी रिपेयरिंग करेंगे। तो मैंने ये जो सर्किट है इसका इसमें से निकाल लिया था और इसमें काफ़ी सारी ग्लू भी थी जिसको मैंने रिमूव किया है, ये वाली, ये सारी इसमें से निकली है। तो बहुत ही टाइम लगा इसमें, काफ़ी लेंथी काम था ये, इसमें सारी जगह पर ये फिल था, तो मैंने ये सारा ही निकाल दिया है। तो अब हम इसका जो है फॉल्ट फाइंड करेंगे और जानेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसकी रिपेयरिंग भी करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। अगर दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी इन फ्यूचर। तो दोस्तों यहाँ पर एक फ्यूज़ होता है, ये देखिए आप, यहाँ पर बर्न है, ये इसमें एक मार्क है बर्निंग का। तो इसका डेफिनेटली ये फ्यूज़ तो ख़राब है ही, लेकिन और भी जो जो सेक्शन है इसमें चेकिंग करेंगे हम किसमें क्या क्या ख़राब है। तो आपको यहाँ से देखकर पता चल गया होगा इस फ्यूज़ की प्रॉब्लम है। तो ये फ्यूज़ जला है लेकिन शॉर्टेज की वजह से ही ये फ्यूज़ जला होगा। तो यहाँ पे आपको मैं जल्दी से ब्रीफ में बता देता हूँ कि यहाँ पे ये सेक्शन में क्या क्या लगा हुआ है। तो दोस्तों ये वाला साइड जो है प्राइमरी साइड है, यहाँ पर आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर मिलेगा और यहाँ पर एक NTC लगा है सेफ्टी पर्पज़ के लिए, और ये वेरिस्टर लगे हैं दो। तो दोस्तों इनके अलग अलग वर्किंग है, ये सेफ्टी के लिए लगते हैं। और यहाँ पे एक फ्यूज़ है, ये हमारा सेंटर में इंडक्टर कॉइल है, ये हमारा मेन कैपेसिटर है जो कि फिल्ट्रेशन का काम करता है, और ये वाला हमारा मॉसफेट लगा हुआ है इसमें, नंबर आपको दिख रहा होगा N65C। तो ये वाला मॉसफेट N चैनल मॉसफेट है इसमें, और ये दो आउटपुट में जो फिल्टर लगे हैं कैपेसिटर, तो यहाँ पे हमारी आउटपुट में DC सप्लाई 24 to 36 वोल्ट आते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम इसकी टेस्टिंग शुरू कर देते हैं इस मल्टीमीटर की हेल्प से। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इसकी टेस्टिंग बताता हूँ। तो दोस्तों हम टेस्टिंग जो करेंगे, हम प्राइमरी साइड से जाएंगे सेकेंडरी साइड में। तो यहाँ पे अगर फ्यूज बर्न हुआ है तो उसको मैं एक बार आपको टेस्ट करवा देता हूँ। ये जो फ्यूज है मल्टीमीटर में कैसे शो करता है, ये वाला फ्यूज है जो, ये है इसके दो टर्मिनल्स। तो देखिए यहाँ पे कोई भी बीप नहीं आ रही, यहाँ पे आएगी लेकिन यहाँ पे बीप नहीं आ रही, यहाँ पे बीप आनी चाहिए। तो हमारा ये फ्यूज जो है ये ओपन है। तो एक हमारा यहाँ पे NTC लगा है, ये ब्लैक कलर का, ये वाला NTC, इसको देख लेते हैं ये ओके है जो नहीं। ये देखिए इसमें बीप आ रहा है, ये बिल्कुल ओके है, 3.8 ओम की इसमें रेजिस्टेंस भी शो कर रहा है, बिल्कुल ओके है। अब ये जो वेरिस्टर लगे हैं इसके, ये एक्चुअल में लगे होते हैं ओवर वोल्टेज या सर्ज वोल्टेज की प्रोटेक्शन के लिए। तो चलिए इनको भी टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो हम दोस्तों इसमें स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, इसमें कोई शॉर्टेज नहीं है, लेकिन जैसे मैं इसकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके चेक करूंगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस शो करनी चाहिए मुझे। ये देखिए 0.41 MΩ की रेजिस्टेंस यहाँ पे शो कर रही है। तो ये भी ओके है हमारा वेरिस्टर। और एक वेरिस्टर जो है ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला, ये ब्लू कलर का, इसके टर्मिनल जहाँ पे दो हैं इसको भी चेक कर लेते हैं, ये वाले दो टर्मिनल वेरिस्टर के हैं। दोस्तों आपने स्टेप बाय स्टेप चेक करना है सारा, मैं यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं दे रहा बिकॉज मुझे पता है इसमें फ्यूज बर्न है तो कोई ना कोई कॉम्पोनेंट इसका खराब है। ये भी बिल्कुल हमारा वेरिस्टर ओके है। तो अब रह गया ये सेंटर में जो लगा है इंडक्टर कॉइल, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसका जो इंडक्टर है ये वाला, इसके टर्मिनल इस साइड है, ये दो, ये देखिए 0.4 ओम की डिस्टेंस शो कर रहा है, ये बिल्कुल ओके है। तो मुझे पता चल गया यहाँ पे कि मेरा फ्यूज बर्न है, NTC ओके है, वेरिस्टर ओके है, और दोनों वेरिस्टर ओके हैं हमारे। और ये जो रेक्टिफायर है ये हम ऐसे नहीं चेक कर पाएंगे, इसको निकाल के देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसे मैं चेक कर लेता हूँ कहीं यहाँ पे शॉर्टेज तो नहीं है। इसके लिए मुझे जो मल्टीमीटर है इसमें डायोड टेस्ट के ऊपर सेट करना होगा।
चलिए ये इसके चार टर्मिनल हैं, एक दो तीन और चार। सेंटर में एसी इनपुट है, देखिए 1.6 10 ओम की रेजिस्टेंस, दोनों साइड हमारी रेजिस्टेंस जो कर रही है शो 1.64 ओम की। ये डीसी आउटपुट है इसकी, यहाँ पे 574, यहाँ पे 506 ओम। तो इसलिए मैं इसको, अब मुझे पता नहीं चल रहा कि ये ओके है कि नहीं, क्योंकि ये सर्किट में लगा है तो और भी इसके साथ काफ़ी रेजिस्टर्स हैं, तो ऐसे चेक नहीं होता, इसको निकाल के ही चेक करना पड़ेगा। इसको हम बाद में टेस्ट करेंगे निकाल के। अब हम इसके जो SMD कंपोनेंट्स हैं उनको एक बारी जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं। तो आपको बता देता हूँ, मैं जब मैं इसको क्लीन कर रहा था उसी वक्त इसमें ये जो आपको प्रिंट नज़र आ रही है इसकी, जो यूवी मास्क होता है वो निकल गया था, लेकिन सर्किट ओके है, इसमें कहीं से कोई ब्रेकेज नहीं है। तो आपको दिखाता हूँ मैं, ये जो ब्लैक कलर के दो ये रजिस्टर हैं इसके, ये सारे रजिस्टर्स हैं। ये एक हमारा मॉस्फेट लगा है U1, आप देख पा रहे होंगे U1, ये जो लिखा है U1 यहाँ पे, ये वाला 4 पिन का मॉस्फेट है। ये रजिस्टर है, ये इंडक्टर है, और ये दोनों रजिस्टर है। इसके साथ ये कैपेसिटर लगा है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर, रजिस्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर। ये है हमारा डायोड RS1M, और ये वाला डायोड है S2M। चलिए डायोड को भी टेस्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा डायोड टेस्टिंग का, डायोड टेस्टिंग कर लेते हैं हम। एक साइड रीडिंग आनी चाहिए, एक साइड रीडिंग नहीं आनी चाहिए, तो लेकिन डायोड दोस्तों सर्किट में लगाया तो हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। ये देखिए दोनों साइड रीडिंग दे रहा है, तो मैं इसे कह नहीं सकता ये ओके है कि नहीं, मुझे इसे निकालना पड़ेगा तभी चेक कर पाऊंगा। कुछ डायोड ऐसे रिएक्ट करेंगे आपको पता नहीं चलेगा, तो इसमें मेरे थोड़ा डाउट है, इसको निकाल के चेक करना पड़ेगा। इस डायोड को देखते हैं, एक साइड रीडिंग आ रही है, एक साइड नहीं आनी चाहिए। ये देखिए ये बिल्कुल ओके है, इसमें एक साइड आ रही है, एक साइड नहीं आ रही। एक और डायोड लगा है हमारा यहाँ पे लगा है ये, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। सेम ऐसा ही आना चाहिए, एक साइड रीडिंग आनी चाहिए और एक साइड नहीं आनी चाहिए। तो आप देखेंगे एक साइड इसमें रीडिंग नहीं आनी चाहिए, ये देखिए नहीं आ रही है, तो ये भी बिल्कुल ओके है। तो मुझे अब एक इस डायोड को चेक करना है और इस रेक्टिफायर को चेक करना है निकाल के, और ये जो मॉस्फेट है इसका, इसको भी निकाल के ही चेक कर पाऊंगा मैं, बिकॉज ये भी सर्किट में चेक नहीं होते हैं, इनको निकालना ही पड़ता है। तो मोस्टली चांसेस होते हैं दोस्तों इस मॉस्फेट के जलने के, इस रेक्टिफायर के जलने के, और इसमें कुछ रेजिस्टर्स हैं उनके खराब होने के। चलिए अब जल्दी से रेजिस्टर्स को टेस्ट कर लेते हैं। मैं हाई ओम के ऊपर सेट कर लेता हूँ मल्टीमीटर को। चलिए वन बाई वन रेजिस्टर को टेस्ट करते हैं। ये देखिए ये रजिस्टर 00 शो कर रहा है, ये ओके है। ये वाला रजिस्टर भी ओके है, इसके साथ वाला भी देख लेते हैं हम। ये देखिए ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ठीक है, ये भी 6.6 ओम दे रहा है। दोस्तों हमने ना स्टेप बाय स्टेप सारे ही कंपोनेंट को टेस्ट करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बार बार हम उनको टेस्ट करते रहें, क्योंकि हमें पता नहीं है कहाँ पे फॉल्ट है। प्राइमरी साइड तो बर्न है, लेकिन सेकेंडरी में भी कोई ना कोई फॉल्ट हो सकता है, इसलिए मैं कन्फर्म कर रहा हूँ कि बार बार इसको हम अब टेस्ट नहीं करेंगे, एक बारी रजिस्टर को चेक कर लेंगे और फिर दोबारा नहीं करेंगे। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे जितने भी रजिस्टर लगे हैं सभी को टेस्ट कर लिया, ये बिल्कुल ओके हैं। अब हम कैपेसिटर को कर लेते हैं, SMD कैपेसिटर जो है इसके, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए ये ब्राउन कलर के जो आपको नज़र आ रहे हैं ब्लैक कलर के साथ, ये कैपेसिटर है, एक ये भी इसके साथ ये लगा है, और ये तीन चार कैपेसिटर हैं इसमें। इनको जल्दी से आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ मैं। तो मैं इसको अब कंटिन्यूटी पे रखता हूँ मल्टीमीटर को। कंटिन्यूटी पे रखने के ऊपर आपको कोई भी रीडिंग यहाँ पे शो नहीं करनी चाहिए, नहीं कर रही, यहाँ पे भी नहीं कर रही। यहाँ पे दोस्तों ये जो कैपेसिटर्स हैं अनपोलराइज्ड हैं, इनकी कोई पोलैरिटी नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे कोई रीडिंग आपको शो नहीं करेगी, और आप जैसे मर्जी इनको लगा सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ना ही रजिस्टर में रहेगा। तो ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा होगा छोटा सा, ये इसके अंदर कॉइल है जो,
ये हमारा है इंडक्टर, इंडक्टर कॉइल को देख लेते हैं। यह भी बिल्कुल ओके है, बीप साउंड आ रही है, साथ में रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो दोस्तों मेरा ये जो सर्किट है ये बिल्कुल ओके है। एक डायोड मैंने आपको बताया और ये कैपेसिटर आप देखेंगे केयरफुली तो यहाँ से फूला हुआ नजर आएगा आपको। ये देखिए बम्प्स हैं इसमें थोड़े से, ये फूला हुआ है, लग रहा है कि ये फॉल्टी है। इसको हम निकाल लेंगे, चेक करेंगे। और एक मॉसफेट, एक कैपेसिटर और एक ये डायोड, इनके ऊपर मुझे शक है। और ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसको भी हम एक बारी निकाल के टेस्ट कर लेंगे। चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इनको निकालता हूँ और आपको टेस्ट करवाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं इसका मॉसफेट निकालता हूँ, ये वाला, ये जो मॉसफेट है, क्योंकि इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो सोल्डरिंग विक का यूज़ करें, डी सोल्डरिंग वायर जिसको बोलते हैं। इससे ऐसा होगा कि इसमें जो प्रिंट है वो ख़राब नहीं होंगे और आसानी से आपका मॉसफेट जो है वो निकल भी आएगा। तो सर्किट को जब भी आप ऐसे कोई कंपोनेंट निकालें तो इस विक का जरूर इस्तेमाल करें, ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है। दोस्तों मैंने मॉसफेट जो है इसकी डिसोल्डरिंग कर दी है तो अभी ये आसानी से निकल आएगा। चलिए अब जो डायोड जो है इसको एक साइड से इसकी डिसोल्डरिंग करते हैं और इसको फिर टेस्ट करेंगे। तो अगर आप दोस्तों देख पा रहे हैं मैंने ये जो डायोड है इसको एक साइड से रिमूव कर दिया है। ये देखिए यहाँ से मैंने एक साइड निकाल दी है इसकी, तो अब ये टेस्ट करना इजी हो जाएगा। चलिए मल्टीमीटर पे इसको जल्दी से टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि ये ठीक है या नहीं। तो आप ऐसे भी एक साइड इसकी निकाल के टेस्ट कर सकते हो। ये देखिए एक साइड रीडिंग नहीं आ रही, दूसरी साइड इसकी रीडिंग आनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों ये डायोड बिल्कुल ठीक है, एक साइड रीडिंग आ रही है, दूसरी साइड आप देखेंगे तो रीडिंग नहीं आ रही। तो ये डायोड भी बिल्कुल ओके है, तो मैं इसको दोबारा ऐसे ही लगा दूंगा। तो दोस्तों आपने देखा कि इसका जो डायोड है बिल्कुल ओके है। तो अब ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसका, इसको रिमूव करते हैं और इसको भी टेस्ट कर लेते हैं कि ये ठीक है या नहीं, इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। चलिए जल्दी से इसको भी रिमूव कर लेते हैं हम। ये चार टर्मिनल हैं इसके, तो इनको मैं डिसोल्ड करता हूँ, इसको निकालते हैं बाहर। तो दोस्तों मैंने ये दोनों ही कंपोनेंट निकाल लिए हैं। सबसे पहले मॉसफेट को टेस्ट करते हैं। दोस्तों मॉसफेट टेस्टिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो आप जाके चेक कर सकते हो चैनल पे, आपको मॉसफेट टेस्टिंग की वीडियो मिल जाएगी। तो ये मॉसफेट हमारा बिल्कुल ओके है। एक साइड रीडिंग आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव पे, एक साइड नहीं आ रही। दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर की टेस्टिंग की वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप इसकी टेस्टिंग की वीडियो भी देख सकते हो। हर तरह की डायोड और मॉसफेट की टेस्टिंग की वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो दोस्तों ये रेक्टिफायर भी बिल्कुल ओके है और ये मॉसफेट भी बिल्कुल ओके है। दोस्तों आपको खराब वाला बता देता हूँ कैसे खराब वाला मॉसफेट रिएक्ट करता है, लेकिन हमारा ये ठीक है। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे 0-0 रीडिंग शो कर रहा है, यहाँ पे भी 0-0 करेगा, शॉर्टिंग है इसमें तो इसलिए 0-0 आ रहा है। अगर ऐसी रीडिंग आए तो आपका मॉसफेट खराब होगा, लेकिन ये हमारा मॉसफेट और डायोड दोनों ही ठीक है। चलिए इनको दोबारा हम डिसोल्ड करते हैं, रीसोल्ड कर देते हैं, सर्किट में दोबारा लगा देते हैं और इसको मेन सप्लाई से लगा कर टेस्ट करते हैं। दोस्तों मैंने इसका जो सोल्डरिंग दोबारा कर दी है मॉसफेट की भी और रेक्टिफायर की, तो अब इसका जो फ्यूज़ है इसको चेक करने के लिए हम जस्ट शॉर्ट कर लेते हैं। तो अगर ये वर्क करेगा तो हम दोबारा इसको नया फ्यूज़ लगा देंगे। यहाँ पे जस्ट आपने एक मेटल का कोई पीस लेकर सोल्डरिंग कर देनी है उसकी यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने सप्लाई से कनेक्ट किया था लेकिन ये ऑन नहीं हुआ, फिर मैंने यहाँ से जो कैपेसिटर्स जो हैं इसके इनको निकाला है अभी। तो दोस्तों मैंने ये जो कैपेसिटर्स निकाले हैं इसके, और एक ये कैपेसिटर जो मैंने आपको बताया था ये मुझे फूला लग रहा था, ये भी मैंने निकाल लिया। तो
अब मल्टीमीटर है, हम इनको टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं इनमें से कौन सा कैपेसिटर जो है फॉल्टी है, जिसकी वजह से हमारी जो सप्लाई है वो शॉर्टिंग आ रही है और हमारा जो SNPS है ये ऑन नहीं हो रहा। तो पहले इनको टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो कैपेसिटर्स हैं इनमें आपको कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए, मल्टीमीटर की बीप साउंड के ऊपर आपको यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रही है, लेकिन जैसे मैं इसको मेगा ओम पे भी कर दूंगा तब ये देखिए कुछ रीडिंग आगे चली गई। तो ऐसे इसका मतलब ये कैपेसिटर ओके है, तो इसमें भी ऐसे ही होना चाहिए। ये देखिए रीडिंग बढ़ रही है, अगर ऐसे आपकी रीडिंग आए तो आपका कैपेसिटर बिल्कुल ओके है। चलिए अब ये जो कैपेसिटर है हमारा इलेक्ट्रोलाइट तो टाइप कैपेसिटर, इसको टेस्ट करते हैं। ये देखिए शॉर्टिंग बता रहा है, ये बीप साउंड दे रहा है। तो हुआ क्या कि हमारा ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, जिसकी वजह से हमारी सारी SNPS सप्लाई जो है ये कट ऑफ हो गई थी। तो अब मैंने फॉल्ट तो निकाल लिया इसका, तो चलिए कैपेसिटर को निकाल के इन दोनों कैपेसिटर को दोबारा लगाकर आपको टेस्ट करवाता हूँ मैं कि ये शॉर्टिंग गई है कि नहीं अभी गई। तो दोस्तों मैंने जो कैपेसिटर निकाले थे दोनों दोबारा लगा दिए, हमने MOSFET चेक कर लिया बिल्कुल ओके था, दोनों कैपेसिटर चेक कर लिए ओके थे, रेक्टिफायर चेक कर लिया ओके था, ये डायोड पे शक था हमें, इसको टेस्ट किया ये भी ओके है, और बाकी हमने NTC वैरिस्टर और ये हमारा फ्यूज खराब था ये हमें पता था। तो ये फ्यूज जो जला है इस कैपेसिटर की शॉर्टिंग की वजह से ही जला था। तो चलिए अब ये जो फ्यूज है इसको हम जम्पर लगा देते हैं एक, और फिर देखते हैं कि हमारी सप्लाई काम करती है या नहीं। चलिए दोस्तों अब हम इसकी जो वोल्टेज है उसको चेक करते हैं। AC पे सेट कर लिया मैंने 600 और इसकी जो इनपुट वोल्टेज है उसको देखते हैं कितनी वोल्टेज आ रही है। ये देखिए 252 वोल्ट आ रहे हैं इनपुट में, ठीक है। तो अब हम DC आउटपुट को चेक कर लेते हैं, 200 पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसकी जो DC आउटपुट है वो हमारी ये रहेगी यहाँ पे, ये ब्लैक वाली नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये देखिए 43.5 वोल्ट शो कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने कैपेसिटर को अभी लगाया नहीं है, ये देख सकते हैं आप, लगाया क्यों नहीं है क्योंकि अभी मेरे पास ये कैपेसिटर है नहीं सेम रेटिंग का, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इसका जो फॉल्ट है वो अभी ओके हो चुका है, क्योंकि अब हमारी शॉर्टिंग जो थी वो निकल गई है, अब यहाँ पे आउटपुट आ रही है। और ये जो आपको मैंने शुरू में बताया था इसका फ्यूज बर्न है, इसका कारण भी ये था कि ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया था, जिसकी वजह से हमारा सारा सर्किट बंद हो गया। तो आपको दिखाता हूँ मैं दोस्तों इसकी जो रेटिंग क्या है, 10 माइक्रोफेरेड का ये 400 वोल्ट। तो दोस्तों ये थी वीडियो, आज तक ऐसी वीडियो दोस्तों आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो सप्लाईज है इनको कोई रिपेयर नहीं करता, क्योंकि इनका जो ऊपर ये जो सारा जमा था इसके ऊपर, इसकी इंसुलेशन जो होती है ये कितनी सारी इंसुलेशन निकली यहाँ से, इसको निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैंने इसको सारा निकाल दिया आपको दिखाने के लिए कि आपको पता चल सके कि ये जो LED की सप्लाई है, LED ड्राइवर है ये, इसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। चलिए जल्दी से इसका ब्रीफ कर लेते हैं कि हमने इसको टेस्ट करने के लिए क्या क्या चेक करना होता है इसका। तो दोस्तों इसमें दो सप्लाईज होती हैं, ये देखिए आपने आपको मैंने बताया था ये इसका MOSFET है ये ब्लैक कलर का, और यहाँ पे आउटपुट की ये कैपेसिटर्स है। हमारी इनपुट वाला सेक्शन ये था, सबसे पहले हमने फ्यूज चेक करना है, उसके बाद अगर फ्यूज बर्न है कभी भी ऐसा ना करें, फ्यूज दोबारा रिप्लेस करके डायरेक्ट ऑन ना करें, सीरीज लैंप लेकर उसको ऑन करें, और अगर यहाँ पे बल्ब फुल ग्लो करे तो शॉर्टिंग है। तो हमारा बल्ब ग्लो कर रहा था फुल, तो शॉर्टिंग थी यहाँ पे। तो NTC को चेक कर लेना है, वैरिस्टर को चेक कर लेना है, ये जो रेक्टिफायर है इसको भी चेक करना है, जितने भी डायोड रजिस्टर लगे हैं उनको चेक करें, कैपेसिटर लगे हैं उनको चेक करें। तो प्राइमरी साइड में फॉल्ट था, फ्यूज इसका बर्न था। मोस्टली होता क्या है ये MOSFET खराब हो जाते हैं, लेकिन हमारे केस में MOSFET बिल्कुल ओके था हमारा। तो हमारा एक छोटा सा कैपेसिटर ही खराब था, ये इलेक्ट्रोलाइट टाइप कैपेसिटर होता है ये खराब था, बाकी हमारा सर्किट बिल्कुल सारा ओके है, इसका डायोड भी सारे ओके हैं, वैरिस्टर भी ओके हैं। ये जो दो आपको येलो कलर के कैपेसिटर नजर आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की डिस्टॉर्शन को रिमूव करने के लिए लगते हैं ये इनपुट साइड में या प्राइमरी साइड में। तो ये भी हमारे ओके थे बिल्कुल। हमारा ये जो आपको ब्लैक कलर का नजर आ रहा है इंडक्टर,
इंडक्टर कॉइल भी हमारी ओके थी। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की, जिसमें मैंने आपको इस एलईडी ड्राइवर की रिपेयरिंग के बारे में बताया। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।